नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करेंगे इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका T20 मैच। ये मैच खेले जाने वाला है आपके सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, सिडनी के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसी वेन्यू पे रिसेंट पे दो मैच हुए थे, पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वर्सेज न्यूजीलैंड। देखो, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को तो आप लीव कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका है ना, तो वो सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है। क्योंकि देखो, वहाँ पर श्रीलंका थी, आज भी श्रीलंका है, वहाँ पे न्यूजीलैंड की जगह यहाँ पे इंग्लैंड आ गई है। बस कंट्री का चेंज है, लेकिन ओपोनेंट सेम ही है, जो कि है श्रीलंका। तो हम अब उनकी ड्रीम टीम भी देंगे, उसमें ना ड्रीम टीम में कौन आए थे, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज लो है, क्या वो आए थे श्रीलंका की तरफ से, हम उसको देखेंगे और उसके हिसाब से भी टीम क्रिएट करेंगे। वेदर सनी प्लस क्लाउडी रहेगा, और यहाँ पे अपन यही प्रेडिक्ट आशा ये रखते हैं कि मैच अच्छा हो, बारिश का कोई आशंका नहीं हो, तभी तो इंग्लैंड जीतेगी। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, उसका कारण मैं बता देता हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलिया तो लास्ट में जीत गई थी, अब पॉइंट तो सेम रहेगा, लेकिन यदि आज इंग्लैंड मैच हार जाती है ना, तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। यदि इंग्लैंड मैच जीत जाती है, तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है ना, सेमीफाइनल खेलने वाली है। तो महत्वपूर्ण मुकाबला है इंग्लैंड के लिए, इनसे कोई मतलब नहीं है कितने रन कितने विकेट, बस मैच जीतना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लैंड के लिए। और यहाँ पे देखो, सिडनी में ज़्यादातर क्या होता है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है ना, वो यदि 80-180 का स्कोर कर देती है ना, तो 80% है कि वो टीम जीत जाएगी। यदि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 150 का स्कोर ही करती है ना, तो वो टीम हार जाएगी। तो आपको पोटेंशियल चेक करना है दोनों टीम का। भाई, श्रीलंका का पोटेंशियल चेक करो, तो वो उनका पोटेंशियल है 155-160, इंग्लैंड का पोटेंशियल आराम से 180 है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो, यदि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, 180 का स्कोर करती है, तो सेकंड इनिंग में उनके स्पिनर विकेट ले सकते हैं। देखो, पेसर तो लेते हैं, प्लस स्पिनर जब भी विकेट लेते हैं, और स्पिनर मैक्सिमम टाइम यदि सेकंड इनिंग में लेते हैं, उनका कारण यही होता है कि जब ये इनकी टीम पहले बैटिंग करती है ना, वो हाई स्कोर कर देती है, और हाई स्कोर के कारण ना ओपोनेंट के सामने प्रेशर हो जाता है। उस प्रेशर के चलते हुए स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं। और श्रीलंका के कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेग ब्रेक से दिक्कत भी है, और इन्होंने लेग ब्रेक को फेस जब भी करते हैं ना, तो उनको दिक्कत होती है। न्यूजीलैंड से उन्होंने की थी, तो सोडी ने उनको परेशान किया था। उस मैच में मैंने कहा था सोडी का बहुत कम सिलेक्शन है, आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं। और मिचेल सिडनी और सोडी दोनों ने मिलकर विकेट निकाले थे। और आज के मैच में ओपोनेंट कौन है, आदिल राशिद भाई और लैम लिविंगस्टन। ठीक है, लिविंगस्टन को भी ओवर दिए जा रहे हैं, और आदिल राशिद को तो 4 ओवर दिए जा रहे हैं। तो भाई, मैं कह रहा हूँ आदिल राशिद पर आज फोकस करना भाई, कंटिन्यू फ्लॉप है। आज के मैच में अच्छा करने वाला है आदिल राशिद। सिचुएशन यही है कि यदि आपकी ये टीम इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करे, तो आप उनको CVC बना सकते हो। यदि इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करे ना, तो आप एज ए प्लेयर आप उनको टीम में पिक कर सकते हो। कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाना है आपको, कप्तान वाइस कप्तान सेकंड इनिंग में ही बनाना है, यदि इंग्लैंड की टीम सेकंड बॉलिंग करे तभी। ठीक है ना, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यदि इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है ना, तो वहाँ पे मैच समाप्त हो जाता है, मतलब कि इंग्लैंड मैच जीत जाती है। 80% मैच है ना, इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करते हुए ही जीतती है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका मैच था, और आज भी कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम है ना, इनके पास मैक्सिमम पेसर है ना, वो सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा करते हैं। जैसे क्रिस वॉक्स पहले इनिंग में नहीं अच्छा करते, वो सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं। मार्कवुड दोनों इनिंग में अच्छा करते हैं, और आपके सैम करन भी मैक्सिमम 70% 60% है ना, सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है ना, तभी अच्छा करते हैं। और यहाँ पे विनिंग कार्ड ये बात करें, तो भाई मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड जीतने वाली है। मैच नेक टू नेक इसलिए हो सकता है कि ये क्या होता है, प्रेशर वाला मैच है इंग्लैंड के लिए भी। तो कभी कभार है ना, हेवी टीमें प्रेशर के अंदर आ जाती है कि यार मैच हार जाएंगे तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। बस वही प्रेशर है, और कोई प्रेशर नहीं है, ओपोनेंट का कोई प्रेशर नहीं है इनके सामने। और प्रेडिक्ट 11 तो आपको पता है, जो लास्ट मैच में खेले थे हम उन्हीं को पिक कर लिए हैं। इंग्लैंड में भी कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है, और आज के मैच है वो ड्रीम टीम में आने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, लंका के पास भी ऐसे प्लेयर है जो अच्छा करने वाले हैं और ड्रीम टीम में आने वाले हैं। फिक्स प्लेयर की बात करें, तो देखो अभी हसरंगा को फिक्स कर दो, और जोस पट्टर को भी फिक्स कर सकते हो। और देखो कुशल मेंडिस को, मैं आपको विकेट कीपर सेक्शन क्लियर कर देता हूँ। देखो कुशल मेंडिस को कब पिक करना है, यदि लंका चेस करे ना, तब भी आप कुशल मेंडिस को पिक कर सकते हो। यदि लंका पहले बैटिंग करे ना श्रीलंका, तो आप उनको ड्रॉप कर दो, वो अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है,
कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता है अपने लिए। तो अपन कैप्टन रहेंगे डेविड मलान, बेन स्टॉक्स, मार्क वुड। अब मैंने ना जोस बटलर को लिया है, ना ही मैंने एलेक्स हेल्स को लिया है एज ए कैप्टन। मैंने क्यों नहीं लिया है मैं आपको बताऊंगा, वेट करूँ ठीक है। और वहाँ से लिया है मैंने बनू का राजपक्षे और मैं से थिक्सिना। देखो थिक्सिना को आप रिमूव कर सकते हो है ना, ये डिफॉल्ट पिक है। ये करेंगे तो एक तरफा मैच करेंगे या फिर तो ये ड्रीम टीम में ही नहीं आएंगे। ये लेंगे तो 3 विकेट नहीं फिर बाहर ठीक है ना। लेकिन भनुका राजपक्षे 4 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे और इस ग्राउंड की आदत है भाई कि 3 और 4 नंबर को परफॉर्मेंस करना ही पड़ता है। वो सिचुएशन में अभी बताऊंगा। तो कैप्टन तो ये अपने, और वाइस कैप्टन कौन है? वाइस कैप्टन जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, सैम करन, आदिल राशिद, कुशल मेंडिस, हसरंगा सिल्वा और मैसी थिक्सिना। अब यहाँ पे थिक्सिना की जगह आप ना के रचिता हो गए, लहरू कुमारा हो गए, उनके साथ भी जा सकते हो। पी मधुसन हो गए, वो अच्छा करने वाले प्लेयर है तो वो अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा करने वाले भी हैं। और क्रेडिट की बात करें तो 85 से 99 की रख सकते हैं, मतलब लगभग आपकी 89 की या फिर 91 की ड्रीम टीम बनने वाली है ठीक है। टीम पार्टीशन की बात करें तो इंग्लैंड के फेवर में मैंने पिक किया है 6-5-4-7-4 और टीम स्ट्रेटजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से तो प्लेयर ड्रीम टीम में आते हैं ना। देखो 1-4-2-4, 1-4-3-3 मेरे सबसे आज कॉम्बिनेशन बनने वाला है। एक जो कॉम्बिनेशन है जो कि फिलहाल वही कॉम्बिनेशन चल रहा है, कौन सा? 1-3-3-4 वाला, मैं अभी आपको शो करूँगा तो आप सुनने की कोशिश करना। ये तो देखो सारी अपनी नोट्स की बातें हो गई, सी वी सी मैंने बता दिए। अब मैं बात करता हूँ कंडीशन पे। तो ये प्लेइंग 11 है, यदि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है ना तो इंग्लैंड के ओपनर फ्लॉप हो सकते हैं ठीक है ना। तो फिर मलान अच्छा करने वाले हैं, मोइन अली हो गए, 4 नंबर बैटिंग करने को आते हैं बेन स्टॉक्स, गेम चेंजर। उनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है भाई, सिर्फ देखो ऑलराउंडर सेक्शन में जाके चेक करो। इंग्लैंड का एक प्लेयर है सेम करम, उनका हाई सिलेक्शन है लिंगस्टन, और बेन स्टॉक्स का लो सिलेक्शन है भाई, गलत बात है ना, तो वही चीज़ कह रहा हूँ। और हसरंगा और धनंजय डी सिल्वा, ये दोनों ड्रीम टीम में आ सकते हैं, कब आएंगे ये बता देता हूँ। हसरंगा यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तब आप पिक कर लेना, यदि इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करे तब आप इनको ड्रॉप कर देना। देखो मैंने हसरंगा का फोकस किया है कि हसरंगा ना मैक्सिमम टाइम पहले इनिंग में अच्छा करते हैं या फिर सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं, लेकिन धनंजय डी सिल्वा है ना ये सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं। जब इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करेगी ना तब ही अच्छा करेंगे, धनंजय डी सिल्वा पहले इनिंग में अच्छा नहीं करते। तो आपको समझ में आ गया कि हसरंगा तो आपको फिक्स रखना ही है, लेकिन सिल्वा को कैसे रोटेट करना है आप समझ चुके होंगे। यदि लंका की टीम पहले बॉलिंग करती है तो ड्रॉप कर देना, यदि लंका की टीम सेकंड बॉलिंग करती है तो आप पिक कर लेना ठीक है। और बात करते हैं इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर की बात, तो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं आपके मोइन अली, हैरी ब्रुक और बेन स्टॉक्स। आप तीनों में से एक या फिर 2 प्लेयर चलने वाले, वो आप उनको रोटेट करके पिक कर सकते हो। और इंग्लैंड के ओपनर चलेंगे तो भाई हाई सिलेक्शन टीम भी बन सकती है। फिर आपको क्या करना होगा, यदि आप इंग्लैंड के ओपनर को चला रहे हो ना तो आपके ना श्रीलंका के ओपनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे कि पी निशंका हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम अच्छी रैंक आने वाली है, नहीं तो फिर नहीं अच्छी आएगी। और यदि आप इनके ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो ना तो फिर डेविड मिलान ना आपके गेम चेंजर बन सकते हैं। और मैं क्यों डेविड मिलान के बारे में कह रहा हूँ, क्यों मैं भनुका राजपक्षे के बारे में कह रहा हूँ, वो मैं चीज़ को आपको भी जो ड्रीम टीम लास्ट में से बनी है वो एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको समझ में आ जाएगी ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में से दोनों बॉलिंग बढ़िया है, लेकिन आपको पता है यार इंग्लैंड कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। लंका भी अभी फिलहाल है ना 2022 है ना लंका के पास है, मतलब कि ये साल इनके पास है, ये अच्छी करती है टीम। अब देखो चेंजेस क्या हो सकते हैं, देखो पी मधुसन को बाहर निकाले किसको लाएंगे, ये वापस समी का करूर रत्न या फिर कोई लाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। लेकिन पी मधुसन एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आज मतलब कि इन्होंने ना एशिया कप में भी बहुत अच्छा किया था, तो पी मधुसन के ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं श्रीलंका के लिए। और के रचिता भी ठीक है ना, ये तो सी वी सी की बातें हो गई, प्लेयर की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं ड्रीम 11 की, जो कौन बन सकती है। तो हम आते हैं अपने, तो ये ड्रीम टीम के देखो, यहाँ पे देखो ये थी अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की ड्रीम टीम, 1-3-3-4 का कॉम्बिनेशन बना था। और पाकिस्तान की ओपन, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान एक अच्छी टीम थी, और इनके ओपनर कौन थे, एलेक्स है ओ सॉरी क्या एलेक्स है आपके मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनर थे ना, ड्रीम टीम में नहीं आए ना, तो मैंने क्या कहा था इनके ओपनर ड्रीम टीम में नहीं आए। फिर ओपोनेंट के ओपनर कौन थे, डिको को टी बहुमा, भाई टी बहुमा
अच्छे किए थे भाई, बहुत अच्छा खेले थे। डिकॉक फ्लॉप हो गए थे, तो तीन ओपनर फ्लॉप हो गए ना। तो आपको एक ऐसी भी टीम बनानी है जिसके अंदर है ना आपको जोस बटलर है, कुशल मेंडिस, एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करना है, निशंका को लेना है, या फिर निशंका के ड्रॉप कर दो, एलेक्स हेल्स को पिक कर लो। तीन ओपनर ड्रॉप एक ओपनर पिक वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क करेगी। और यहाँ पे देखो वाइस कप्तान नोटेजी क्यों बने भाई, नोटेजी ने तो ओपनर को आउट किया था ना। तो देखो वहाँ पे लंका की तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग कौन करते हैं, जो भी करते हैं मेरे हिसाब से तो पी मधुसूदन करते हैं, और आपके लहरू कुमारा फिर के रचिता करते हैं, लहरू कुमारा करते हैं, तो वही चीज़ है। और थिक्सिना एक दो ओवर करेंगे ठीक है, लेकिन पेसर की बात करें यहाँ पे पेसर के लिए, तो पी मधुसूदन को आप वीसी कर सकते हो, और उनके जो शेमकरण है ना उनको कैप्टन कर सकते हो, तो वो एक ग्रैंड लीग के लिए टीम बन जाती है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझने की कोशिश करना है। और देखो ये तो चलो दोनों टीम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये गेम था न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। अभी लंका खेल रही है, तो लंका के पांच प्लेयर कौन है, श्रीलंका, राजापक्षे, सिल्वा, हसरंगा और के रचिता। अब इन पांच प्लेयर को आप ना पिक कर लो, ड्रीम टीम बना लो, मतलब कि दो तीन टीम ऐसी बनाओ जिसके अंदर यही पांच प्लेयर रहे ठीक है। और छह प्लेयर ले लो आप इंग्लैंड के, और छह प्लेयर रोटेट कर लो इंग्लैंड के, छह में से देखो तीन बैट्समैन ले लो, तीन ऑलराउंड मतलब तीन बैट्समैन ले लो और तीन बॉलर ले लो, छह हो जाएंगे इंग्लैंड के, सिंपल सा हो जाएगा। और पांच प्लेयर लेने लंका के, तो ये पांच प्लेयर को आप पिक कर सकते हो। देखो राजापक्षे भी अच्छी चॉइस है, वो सिल्वा आपके दो मतलब कि बैटिंग प्लस बॉलिंग करने वाले हैं, और श्रीलंका इस ग्राउंड भी बहुत अच्छा करते हैं भाई ठीक है ना। इनको दिक्कत है लेग ब्रेक से, यदि लेग ब्रेक से बच जाते हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि लंका को दिक्कत है किससे, स्पिन से। मिचेल सेटनर 71 पॉइंट, इस सोडी 57 पॉइंट, तो कि यहाँ पे देखो दो दो विकेट, चार विकेट इन्होंने पिक किए थे। तो देखो यहाँ पे लेम लिंगस्टन और आपके कौन से एक बॉलर है आदिल राशिद, वो अच्छा कर सकते हैं। लिविंगस्टन से अच्छा राशिद अच्छे लेग ब्रेक बॉलर है, और आज के मैच में वो अच्छा करने वाले हैं भैया, तो उनका सिलेक्शन परसेंटेज देखो बहुत ही कम है। आप आज के मैच में उनको सी वी सी बना सकते हो ठीक है। डेविड मिलान कैप्टन, वाइस कैप्टन आपके आदिल राशिद, कितनी डिफरेंशियल चॉइस है। और आप से प्लेयर को पिक कर लो, मतलब कि जॉस बटलर डेविड मिलान को ले लो, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में से बेन स्टॉक सेमकरन को ले लो चार, वो यहाँ पे मार्कवुड पाँच और आदिल राशिद छः, इन छः प्लेयर को पिक कर लो, कैप्टन बना लो डेविड मिलान को और वाइस कैप्टन बना दो आदिल राशिद को, बच्चे हुए पांच प्लेयर है आप उनको पिक कर लो, लंका के पांच प्लेयर है ना बचे हुए, आप ये पांच प्लेयर को पिक कर लो। यहाँ पे भी देखो न्यूजीलैंड के जो ओपनर थे ना फिन एलन और डेनिन कोने फ्लॉप हो गए थे, कोने जो 25 पॉइंट दिए ना ये कैचिंग पोजीशन के कारण आए थे, ये भी फ्लॉप हो गए थे। और इनको आउट किसी ने किया था, ओपनिंग बॉलर के रचिता ने, तो यहाँ पे भी के रचिता अच्छा कर सकते हैं। यदि आप जॉस बटलर एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करे हो तो के रचिता को ड्रॉप नहीं करना है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है। तो यही सिचुएशन है, यहाँ पे ओपनर फ्लॉप होते, यहाँ पे भी ओपनर फ्लॉप होते थे, तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो कौशल मेंडिस ड्रीम टीम में, निशंका फ्लॉप, निशंका फ्लॉप, यहाँ पे भी एक ओपनर ड्रीम टीम में आया था, यहाँ पे भी एक ओपनर ड्रीम टीम में आया था। तो यहाँ पे सिडनी में क्या होता है कि एक ओपनर ड्रीम टीम में आ रहा है रिसेंटली, तो आपको तीन टीम तो ऐसी क्रिएट करनी है जिसके अंदर सिर्फ एक ओपनर हो, और रेस्ट ऑफ ऑल टीम आप ना आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगी। और यहाँ पे देखो चार नंबर बैटिंग करने कौन आया, ग्लेन फिलिप्स इंग्लैंड के लिए चार नंबर बैटिंग कौन करता है, बेन स्टॉक्स। देखो रेगुलर बैट्समैन बेन स्टॉक्स है, अब प्रमोट कर दे लास्ट मैच में भाई, डेविड मिलान को बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा इंग्लैंड ने, मेरे को मतलब कि बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने भी पांच टीमें मेरे कप्तान थे डेविड मिलान, उसके चलते हुए मेरी ग्रैंड लीग मिस हो गई, मेरे सारे के सारे नो ड्यूटी थे, लेकिन मेरे कैप्टन मिलान थे, मेरी टीम कहाँ से रोक करेगी भाई। मैं तो यही सोच रहा था कि मिलान वन डाउन पे आएगा और अच्छा खासा स्कोर करेगा, और उनको बैटिंग करने नहीं भेजा, वो तो किस्मत की बात हो गई ना। और यदि आज बदलाव नहीं करती इंग्लैंड, तो देखो चार नंबर पे तो बेन स्टॉक्स बैटिंग करते हैं, और बेन स्टॉक्स अच्छे इनिंग खेलने वाले प्लेयर है भाई, ये ना मतलब कि छः मैच में एक मैच खेलते हैं, सात मैच में एक मैच खेलते हैं, तो इनको नॉलेज है भाई कब कैसा खेलता है। और बेन स्टॉक्स की आदत है कि जब भी इंग्लैंड की परिस्थिति एकदम डाउन होती है ना, तब यह बंदा रोक करता है, ये ऐसा रोक नहीं करता, ये मतलब ऐसा हो गया भाई, अब मैच यार ओपनर तीनों आउट हो गए और आपके डेविड मिलान भी आउट हो गए, फिर भाई बेन स्टॉक्स जैसा बैट्समैन अच्छा ताबड़तोड़, बेन स्टॉक्स के साथ में हैरी ब्रुक है ना वो अच्छा कर देता है, तो वही सिचुएशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप टीम बना सकते हो। तो चार नंबर पे बेन स्टॉक्स, तीन नंबर पे डेविड मिलान पे आप फोकस कर सकते हो इंग्लैंड के लिए। और लंका पे आप सीवीसी मत बनाओ, आपकी टीम खराब हो जाएगी, क्या मतलब है यार, वीसी बनाना है ना तो आप सी बना हसरंगा को बना दो, कि उसके पास पोटेंशियल है बंदे के पास, या फिर सिल्वा, क्योंकि सिल्वा तीन ओवर बैटिंग प्लस तीन ओवर करेगा, तो वो एक अलग लेवल है। यदि तीन ओवर में जीरो विकेट मिल जाता वो अलग बात होती रहती है, वो किस्मत की बातें होती है। तो मैं तो मेरी कहने का मतलब है कैप्टन वाइस कैप्टन आप है ना इंग्लैंड से ही करो ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अब अपन टीम क्रिएट करते हैं।
वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा होए लेकिन आप ग्रैंडलिक जरूर विन करें, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने रिस्क की कॉम्बिनेशन आपको बता दिए, वो कॉम्बिनेशन आप ना 3-4 टीमों में ट्राई कर सकते हो। अपन यहाँ पे 11 टीम क्रिएट कर लेते हैं, वो सारी टीम क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो ये टीम अच्छी है, यहाँ पे निशंका को ड्रॉप करके यहाँ पे बनू का राजा पक्षे को पिक कर लो, ये कि टीम रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जोश बटलर जो कि ओपनर है, और तीनों ओपनर ड्रॉप हो जाएंगे। आपके निशंका को ड्रॉप आप कर दोगे, एलेक्सा स्पेलसी ड्रॉप है, और आपके कुशल मेंडिस भी ड्रॉप है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे भी आपको ड्रॉप करना है। यहाँ पे देखो तीन तीन ओपनर है ना, तो इनमें से एक ओपनर ड्रॉप होगा। आप दो ओपनर के साथ में भी जा सकते हो, लेकिन चार ओपनर पिक मत करना, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपके लिए। ये सारी टीम आप देख सकते हो, जो टीम आपके अच्छी लगे वो आप टीम लगा लो, जो अच्छी ना लगे वो आप मत लगाओ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।